किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि सही दिशा में अकेले चले। ऐसा ही कुछ रिश्ता भागलपुर का बिहार से। हे नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। भागलपुर एक ऐसा शहर जिसका मतलब होता है द सिटी ऑफ गुड लक, एंड इस चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसको भागलपुर का नाम क्यों दिया। चलिए आज आपको भागलपुर के बारे में अपने अंदाज में कुछ यूनिक बताते हैं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताया हो। भागलपुर बिहार टूरिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। भागलपुर आने के लिए पटना से डिस्टेंस कितना है, आना कैसे है, रहना कहाँ है, घूमने के लिए कौन कौन सी जगह बेस्ट है, कितने एक्सपेंसेस होंगे, इन सारे टॉपिक्स पे आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज मिल जाएंगे। वैसे तो भागलपुर का हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हिस्ट्री के नहीं बल्कि टूरिज्म के व्यू से आपको भागलपुर दिखाने की कोशिश करता हूँ। भागलपुर भारत देश का एक ऐसा शहर है जहाँ लगभग 200 से ज्यादा हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगटिक रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। ना खुशी की बात, लेकिन दुख की बात यह है इन डॉल्फिन का जीवन आज खतरे में है, इसलिए इन्हें इनडेंजर स्पीशीज का दर्जा दिया गया। आपको पता है डॉल्फिन को जीने के लिए सिर्फ फ्रेश वाटर की जरूरत है, दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम पे गंगा को लोगों ने, हमने और आपने इतना पॉल्यूटेड बना दिया है, ये डॉल्फिन उसमें रह ही नहीं सकते। चलिए अब आप भागलपुर आ ही गए हैं तो आपको भागलपुर का जो मेन अट्रैक्शन है उसके बारे में आपको बता दें। आप भी मेरी तरह चाय के शौकीन है तो भागलपुर का मटका कुल्हड़ चाय पीना बिल्कुल भी मिस ना। आपको पता है टसर सिल्क का प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ भागलपुर ही करता है, और इसीलिए भागलपुर को द सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर में और भी बहुत से अट्रैक्शन हैं, जैसे मामाशानी देवी मंदिर, बाबा केशवनाथ का मंदिर और भी बहुत सारे ऐतिहासिक टेम्पल यहाँ मौजूद है।